नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम IFB का साइड लोड 8 केजी का एक मशीन है उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो ये मशीन हमने हमारे खुद के घर के लिए लिया हुआ है, तो इसको अच्छे से समझते हैं कि ये सारे फीचर इसके क्या है और ये किस टाइप से काम करता है और क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया हुआ है। दोस्तों अगर ये कौन सा मॉडल है उसकी बात करें तो ये है सेनेटोर SXS करके है। इसके बाजू में लिखा है कि ये 8 केजी तक सपोर्ट कर सकता है, यानी कि आप 8 केजी तक क्लोथ इसके अंदर डाल सकते हो। ये 1200 आरपीएम का मूवमेंट देता है, यानी कि इसके अंदर जो कपड़ा स्पिन होता है वो मैक्सिमम 1200 आरपीएम तक स्पिन हो सकता है। ये एक एक्वा एनर्जी फीचर के साथ है जो कि मैं डिटेल में बाद में बताऊँगा, और ये 3D वॉश भी देता है। इसके साथ साथ इसमें स्टीम जनरेशन भी है, यानी कि वो स्ट्रीम भी जनरेट करता है इसके अंदर ताकि कपड़े को बेस्ट वॉश मिले। देखिए यहाँ पे IFB कंपनी ने 3 स्टिकर्स लगाए हुआ है, यानी कि ट्री शील्ड प्रोटेक्शन ये दे रहा है। ये हमें 4 ईयर की मशीन की वारंटी के साथ मिला हुआ है। इसमें साथ ही साथ 10 ईयर का मोटर का वारंटी भी मिला हुआ है और 10 ईयर का स्पेयर पार्ट का सपोर्ट भी मिला हुआ है, यानी कि नीचे लिखा है 100% पीस ऑफ माइंड। और देखिए दोस्तों इसके अंदर ऑटो इनबैलेंस कंट्रोल भी दिया हुआ है, यानी कि जब ये स्पिन होता है तो ज़्यादातर मशीन जो होता है वो इनबैलेंस हो जाता है। इसके अंदर ऑटो इनबैलेंस किया हुआ है, ये वोल्टेज से प्रोटेक्शन दे रहा है हमें, यानी कि वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट हो रहा है हमारा 230 वोल्ट जो हमारे घर के अंदर आता है वो अगर 200 से भी नीचे जा रहा है तो भी वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ कर देगा मशीन को। इसमें ऑटो रिस्टार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है और साथ ही साथ ऑटो डायग्नोसिस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि इसके अंदर कोई फॉल्ट है तो वो अपने आप इसको डिटेक्ट कर सकता है और स्क्रीन पे ये डिस्प्ले कर देता है। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे क्लीनिंग के मोड दिए हुए हैं, जैसे कि ये मिक्स ऑयल है, कॉटन नॉर्मल है, एंटी एलिग्रेंट है, बेबी वियर है, तो बहुत सारे मोड दिए हुए हैं। यहाँ से हम जो मोड है पर्टिकुलर मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मोड जब सिलेक्ट होता है तो उसके बाजू में लाइट होता है, हालांकि वो लाइट बहुत ही उसका जो लाइटिंग है वो बहुत ही कम है तो वो दिन के टाइम में दिखता भी नहीं है। उसको ऐसे हाथ करके देखना पड़ता है कि ये कौन से मोड में है, तो ये IFB वालों को जरा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कपड़े को वॉश करने के लिए अलग अलग मोड दिया हुआ है, वो मोड को हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके जो बाजू में जो जो भी पैरामीटर है वो उसके बाजू में एक डिस्प्ले दिया हुआ है उसके अंदर आ जाएगा। डिस्प्ले बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है और उसके अंदर जो भी हमारा ऑपरेशन वॉशिंग के दरमियान हो रहा है वो सारा चीज़ उसके अंदर दिखता है। कोई मोड को मान लो कि अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो वो मोड के अंदर जो जो भी पैरामीटर्स हो गए वो यहाँ पे डिस्प्ले होते रहेंगे। जैसे कि ये हमें दिख रहा है कि ये 1 घंटे और 58 मिनट के अंदर ये वॉश साइकिल को ख़त्म करेगा। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 8 केजी तक है ये मोड में। ये 40 डिग्री तापमान पे पानी को गर्म करके फिर उसको उससे कपड़े को धोएगा और ये 1000 RPM पे स्पिन करेगा कपड़े को। तो ये हमें जो भी पैरामीटर है इसके वो दिखते हैं और इसके बाजू में इसके जो ऑप्शन है वो भी हमें दिखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे 4 स्विच भी दिया हुआ है, एक स्पिन स्विच है, एक टेम्परेचर का सेटिंग के लिए स्विच है, एक ऑप्शन है और एक सिलेक्ट करने के लिए है। यहाँ पे 2 और स्विच दिया हुआ है, एक तो पावर को ऑन ऑफ करने के लिए है और एक जो है वो साइकिल को पुश या फिर स्टार्ट करने के लिए है। अगर पहला बटन की बात करें तो कोई अगर हमने कोई मोड यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है तो वो मोड के अंदर डिफॉल्ट जो भी सेटिंग है RPM का उसको अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमने मोड सिलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर स्पिन है हमें 400 RPM रखना है तो 400 भी रख सकते हैं, 600 करना है तो वो भी कर सकते हैं, 800 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, तो उतना मोड इसके अंदर सपोर्ट करता है स्पिन का। उसी तरीके से अगर टेम्परेचर में जाएंगे तो इसके अंदर वॉशिंग का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री पर रहना चाहिए, कोल्ड यानी कि नॉर्मल जो वाटर हम दे रहे हैं उससे धोना है 30 डिग्री पे रखना है, 40 डिग्री पे रखना है और कोल्ड पे रखना है। यानी कि हमने जो मोड सिलेक्ट किया है उसके अंदर 2 ही ऑप्शन है, हर एक मोड के अंदर अलग अलग ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। ये ऑप्शन का बटन है, ऑप्शन का बटन प्रेस करने से वो जो पर्टिकुलर मोड है उसके अंदर जो जो भी ऑप्शन है उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि ये एक्स्ट्रा रेंज दिया हुआ है, टाइम सेवर दिया हुआ है, यहाँ से चेंज करेंगे तो फिर नया ये टाइम सेवर मोड आ गया, तो उस तरह से हम अलग अलग ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके अंदर हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये बटन खाली सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे एक चाइल्ड लॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है,
जब ये ऑपरेशनल हो तब ये दोनों बटन को साथ में दबाने से ये चाइल्ड लॉक में चला जाएगा, यानी कि फिर बटन दबाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके बच्चे इससे खेलते हैं या फिर इसका बटन दबा देते हैं तो ऑपरेशन में कोई भी तकलीफ नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो मशीन है वो हमें 5-स्टार रेटिंग के साथ मिला हुआ है। जैसे ही जैसे जैसे स्टार बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें एनर्जी का सेविंग ज़्यादा मिलता है, तो 5-स्टार मैक्सिमम है। और ये जो मशीन है वो 5-स्टार रेटिंग के साथ मिला है, यानी कि ये बहुत कम पावर में कपड़े धोता है। दोस्तों अगर इसका हम ड्रम देखें तो ये बहुत बड़े साइज का ड्रम है। इसका कैपेसिटी 8 kg कपड़े का है, तो 8 kg में मिनिमम 16 कपड़े तो डाल ही सकते हैं, क्योंकि एक कपड़ा करीबन 500 ग्राम के आसपास होता है। तो इसका देखिए ये ड्रम बहुत ही बड़े साइज का है, और ये जब स्पिनिंग वगैरह होता है तो ये मैक्सिमम 1200 RPM तक घूम सकता है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ ड्रम है। और इसका एक जो खास फीचर है वो 3D वॉश का है। तो ये देखिए अलग अलग अंदर जेट स्प्रे करने के लिए ये भी दिया हुआ है, जिसके अंदर से पानी और डिटर्जेंट मिक्स होके जेट स्प्रे की तरह निकलता है, तो ये 3D वॉश भी देता है हमें। देखिए ये जो ढक्कन है इसके भी बहुत अच्छा क्वालिटी का ग्लास दिया हुआ है, जो बंद हो जाने पर हम देख भी सकते हैं अंदर जो कपड़े हमारे धुल रहे हैं वो देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये सेक्शन भी दिया हुआ है, जिसके अंदर जब हम कपड़ा धोने के लिए डालते हैं तो इसके अंदर कोई कॉइन्स या फिर कोई पिंस वगैरह रह जाता है, तो ये यहाँ पे बाद में निकल जाएगा, आपको यहाँ से कलेक्ट कर लेना होता है। इसको मैं जब ओपन कर लूँगा तो एक्सेसिव वाटर वगैरह भरा हुआ है, अभी वो निकल गया, और यहाँ पे आपका जो कॉइन्स वगैरह है वो आ गया होगा, यहाँ से हमें निकल लेना होता है। देखिए इसका जो बॉक्स है इसके ऊपर भी 2-3 अच्छे अच्छे फीचर लिखा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है वो फुली ऑटोमेटिक है, यानी कि कोई भी ऑपरेशन आपको हाथ से नहीं करना है, एक बार उसका बस मोड सेट कर देना है तो अपने आप मशीन पूरा प्रोसेस कर लेगा और कपड़े को धो देगा। ये डंबल वॉश के साथ आता है, यानी कि अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये घुमा घुमा के कपड़े को धोता है, यानी कि उसमें अंदर कोई जिद्दी दाग है वो भी निकल जाएगा। ये हॉट वॉश भी देता है हमें, यानी कि ये इसके अंदर एक हीटर भी लगा हुआ है, तो ये कपड़े को गर्म पानी से धोता है, आप उसमें जितना टेम्परेचर सेट करोगे उतने टेम्परेचर पे ये कपड़े को धोएगा। ये 60% वाटर के सेविंग देता है हमें, नॉर्मल जो कन्वेक्शनल मशीन होता है उससे 60% कम वाटर ये यूज़ करता है। साथ ही साथ ये जो 60% डिटर्जेंट का भी सेविंग देता है, यानी कि बहुत कम डिटर्जेंट के अंदर बहुत अच्छी धुलाई देता है कपड़े की।